Hello everyone, today in this lecture I am going to discuss two more important topics from capacitors. As we know how the capacitor can store the energy, and we have already discussed this topic in the previous lecture, and we have already derived three formulas for the energy stored in capacitor. और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि ये थियरी आपको 3-4 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आ सकती है. और एक चीज जो मैंने आपको बोली थी, एक टर्म जो इस थियरी के साथ एड हो सकता है वो है एनर्जी डेंसिटी. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं. तो लास्ट की जो थियरी है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और ये सेकेंड थियरी एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों थियरी कंबाइन करके आपको 4 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आ सकती है. अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो आपको ये दोनों थियरी कंबाइन करके 5 मार्क्स में भी आ सकती है. तो सेकेंड टर्म हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट थियरी जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं दी है बट उसका कंसेप्ट जो हम लोग न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू में यूज करने वाले हैं वो थियरी भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे. वो थियरी होगी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. तो ये दोनों थियरी आज कंबाइन हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो आपके एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के अलावा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के लिए वो डिस्कस करेंगे. तो एनर्जी डेंसिटी का ये जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे ये आपके एनसीईआरटी की लास्ट थियोरी है. इसके बाद आपके बुक में सिर्फ न्यूमेरिकल्स दिए हैं और आगे कोई थियोरी नहीं है. तो आपको यहां तक बोर्ड एग्जाम के लिए थियोरी प्रिपेयर करनी है और इसके बाद वाली जो जितनी भी कंसेप्ट जितनी भी थियोरी आएंगी वो सारी आपको एमसीक्यूज के लिए यूज. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इस थियोरी में जब एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो सबसे पहले आपको एनर्जी डेंसिटी क्या होगी ये चीज पता होनी चाहिए. तो एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. जैसे हमने मास डेंसिटी स्टडी किया है मास अपॉन वॉल्यूम, वैसे ही एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो इस थियोरी में हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला डिराइव करना है. तो सबसे पहले हमें एनर्जी का कंसेप्ट पता होना चाहिए जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था, फॉर्मूला और कंसेप्ट भी देखा था. तो उस थियोरी में हमने जो फॉर्मूला डिराइव किए थे तीन फॉर्मूला में से कोई भी एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे. और सेकेंड थिंग पर वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम के लिए हम लोग हमारे पास प्लेट का एरिया होगा और प्लेट के दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस मतलब सेपरेशन भी होगा. तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे यूज करनी है इस थ्योरी में. सेकेंड थिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कैपेसिटेंस का. देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स और चार्ज. ये तो बेसिक कंसेप्ट जितने भी होंगे जो हमने स्टडी ऑलरेडी किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में तो वो सारी चीज यहाँ पे आपको आपके लिए यूजफुल रहेगी. तो सबसे पहली चीज एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एनर्जी का फॉर्मूला. उसके बाद उसी फॉर्मूला में हम लोग चेंजेस करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये बेसिक आपकी मेथड रहेगी, आपके स्टेप रहेंगे जिस स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको ये डेरिवेशन करना है. लेट अस स्टार्ट. कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया कैपिटल ए एंड प्लेट सेपरेशन स्मॉल डी. कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए बाय डी. इस फॉर्मूला को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देंगे. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट, जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला डिराइव किया था उसी थ्योरी में ये कंसेप्ट दिखा था, दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो. तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 2. नाउ चार्ज ऑन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. अब कोई भी एक प्लेट के ऊपर चार्ज कितना हो सकता है, तो चार्ज के लिए हमने चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज किया और चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया. तो इसी फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया. और सिग्मा इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे सिग्मा के लिए, तो डायरेक्टली यहां पे लिखेंगे एप्सिलॉन जीरो ई इंटू एरिया. इसे इक्वेशन नंबर 3 दिया. नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2C. तो इक्वेशन नंबर 3 से हमें चार्ज मिल गया और इक्वेशन नंबर 1 से हमें कैपेसिटेंस मिल गया. तो ये दोनों इक्वेशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. तो क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर के प्लेस पे लिखेंगे एप्सिलॉन जीरो ई इंटू ए. तो एप्सिलॉन जीरो ई इंटू एरिया होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. अब यहां से जितने टर्म कैंसिल होंगे और उसके बाद जो फाइनल टर्म बचेगा
हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर ए इंटू डी, ए मतलब एरिया और डी मतलब सेपरेशन। तो ये एनर्जी का एक फॉर्मूला आ गया जहां पे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज किया। तो ये एक रीफॉर्मेशन हो गया फॉर्मूला का। हमारा बेसिक फॉर्मूला था क्यू स्क्वायर बाई टू सी, इसी में हमने क्यू और सी के लिए अलग टर्म यूज करके ये भी एक फॉर्मूला बनाया है। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी। तो अब हम लोग एनर्जी डेंसिटी का कैलकुलेशन देखेंगे। यहाँ पे ए इंटू डी मतलब एरिया इंटू सेपरेशन, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर बिटवीन टू प्लेट्स। देयरफॉर द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम और द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द फील्ड इज गिवन बाय रो ई इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर ए इंटू डी अपॉन वॉल्यूम मतलब ए इंटू डी। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनल आंसर आएगा हाफ एप्सिलॉन जीरो। तो ये फाइनल फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 में यूज किया होगा। तो ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया वो एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था। सेम कंसेप्ट जब मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे तब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जैसे हमने कैपेसिटर्स के लिए कैलकुलेशंस देखे और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर में कैसे एनर्जी स्टोर कर सकते ये सारे कंसेप्ट देखे, सेम चीज हम लोग सेकेंड डिवाइस जो इंडक्टर होगा, जो इंडक्टर के लिए भी हम लोग एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ऐसी कोई थियोरी स्टडी करने वाले जब हम लोग मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। तो ये दोनों कंसेप्ट जब इलेक्ट्रोस्टेटिक्स और मैग्नेटिज्म ये दोनों कंबाइन होंगे तब हम लोग ये ईएम वेव्स में ये दोनों कंसेप्ट एक साथ स्टडी करेंगे। तो एनर्जी डेंसिटी का ये एक फॉर्मूला जो हमने आज के इस लेक्चर में डिराइव किया। अब जो सेकेंड टॉपिक होगा वो हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इस थियोरी में जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले और जो फॉर्मूला हमें फाइनल मिलेगा वो आपके एमसीक्यू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला रहेगा। अब जैसे हमने चार्जिंग बाय कंडक्शन स्टडी किया था, दो चार्ज स्फीयर को जब हम कनेक्ट करेंगे तब चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। सेम थिंग हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे बट कैपेसिटेंस का भी एक टर्म आएगा और सेकेंड पोटेंशियल का। तो आपको थियरी प्रॉपरली स्टडी करनी है, आपको ये रिफर करनी होगी थियरी, बिकॉज आपको ये थियरी एमसीक्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जैसे हमारे पास दो कैपेसिटर्स दिए हैं ए एंड बी जिसका कैपेसिटेंस है सी1 एंड सी2। इनिशियली हमने इन दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट नहीं किया है, मतलब इन दोनों के बीच में हमने कोई मेटालिक वायर कनेक्ट नहीं किया है। तब इनिशियली दोनों कैपेसिटर के पास कैपेसिटेंस है सी1 एंड सी2 और चार्जेस होंगे क्यू1 एंड क्यू2। देन पोटेंशियल कितना होगा, अगर इस फर्स्ट कैपेसिटर की बात करेंगे तो हमने इसका पोटेंशियल मान लिया V1 और इसका पोटेंशियल मान लिया V2। तो ये सारी इनिशियल कंडीशन हो जाएगी। अब टोटल चार्ज कितना होगा कैपेसिटर के ऊपर वो अगर कैलकुलेट करना होगा तो Q1 के लिए डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं C1 into V1 और Q2 के लिए लिख सकते हैं C2 into V2 बिकॉज हमारा बेसिक फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा C इंटू वी। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो दोनों स्फीयर के ऊपर दोनों कैपेसिटर के ऊपर हमें चार्जेस मिलेंगे C1V1 एंड C2V2। अब सेकेंड कंडीशन पे जाएंगे जब हमने इस दोनों कैपेसिटर को मेटालिक वायर से कनेक्ट किया और हमें पता है जैसे दोनों कैपेसिटर को मेटालिक वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हमारे पास जितने भी टोटल चार्जेस होंगे उस टोटल चार्जेस में से चार्जेस का डिवीजन होगा, आधे चार्ज एक स्फीयर पे जाएंगे और बाकी के चार्ज सेकेंड स्फीयर पे। अब कंप्लीटली हाफ चार्जेस का फ्लो होना ये डिपेंड करेगा इस कैपेसिटर की साइज उसके डायमेंशन के ऊपर। तो हमने सिर्फ इस टॉपिक में रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करना है जहां पे इन दोनों कैपेसिटर के लिए कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करने वाले है। तो फर्स्ट हम लोग पहली इनिशियल कंडीशन जब हमने कनेक्ट नहीं किया था मेटालिक वायर से दोनों कैपेसिटर को तब की कंडीशन हम लोग रीड करते हैं। कंसीडर टू इंसुलेटेड कंडक्टर्स ए एंड बी ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 एंड कैरिंग चार्जेस Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली। लेट V1 एंड V2 बी देयर पोटेंशियल्स, देन Q1 इज इक्वल टू C1V1 एंड Q2 इज इक्वल टू C2V2। ये हमारी इनिशियल कंडीशन हो गई। नाउ इफ टू कंडक्टर्स आर जॉइंड बाय अ थिन कंडक्टिंग वायर then the positive charge will flow from the
conductor at higher potential to lower potential till their potentials become equal. Total charges. अब जैसे दोनों कैपेसिटर्स को हमने मेटालिक वायर से कनेक्ट किया तो दोनों के बीच में चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये चार्ज का ट्रांसफर कब तक हो सकता है, जब तक ये दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा। तो जैसे ये दोनों कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे, मतलब कॉमन पोटेंशियल का मतलब ये हो जाएगा कि दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, तब रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप हो जाएगा। अब हमारे पास जो इनिशियली चार्ज थे Q1 एंड Q2, तो पूरे सिस्टम के लिए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, तो ये पूरे सिस्टम के लिए चार्ज है Q1 प्लस Q2। अब नेक्स्ट जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब ये टोटल चार्ज में से डिवीजन होगा, कितने चार्ज कौन से स्पेयर के ऊपर जाएंगे और कितने चार्ज सेकंड स्पेयर के ऊपर, तो इसी को बोलेंगे हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन। पर उसके लिए हमारे पास कंडीशन होगी, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल ये एक वर्ड हम लोग यूज करेंगे और इसी के लिए डेरिवेशन भी करना है हमें। अब जो वायर हमने यूज किया दोनों कैपेसिटर्स के बीच में, उस वायर का कैपेसिटेंस हम लोग नेग्लिजिबल मतलब निग्लेक्ट करेंगे तो टोटल सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1 और सेकंड का कैपेसिटेंस होगा C2, तो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। अब हमारे पास टोटल पोटेंशियल के लिए मतलब कॉमन पोटेंशियल के लिए अगर फॉर्मूला डिराइव करना होगा तो हमारे पास टोटल चार्ज भी अवेलेबल है और टोटल कैपेसिटेंस भी। तो कॉमन पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल चार्ज पर टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज मतलब दोनों स्फीयर के पास कितने चार्ज है, तो फर्स्ट स्फीयर के पास है चार्ज Q1 एंड सेकेंड के पास है Q2, तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2। सेम टोटल कैपेसिटेंस, फर्स्ट जो हमारा कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस है C1 और सेकेंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C2, तो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 प्लस C2। अब Q1 प्लस Q2, अब Q1 और Q2 की इनिशियल कंडीशन हमें पता है और Q1 मतलब चार्ज का फॉर्मूला डिराइव किया था हमने ऑलरेडी, तो Q इज इक्वल टू CV। तो फर्स्ट कैपेसिटेंस के लिए मतलब फर्स्ट कैपेसिटर के लिए C1V1 प्लस सेकेंड कैपेसिटर के लिए C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल, ये फाइनल फॉर्मूला कॉमन पोटेंशियल का। ये फॉर्मूला आपको कोई भी MCQ या फिर न्यूमेरिकल में यूजफुल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सिचुएशन दी होगी कि एक कैपेसिटर को आपने वी वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, तब इनिशियली प्रोसेस स्टार्ट होगी कैपेसिटर के लिए चार्जिंग प्रोसेस। तो ड्यू टू बैटरी कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और उसका फाइनल कैपेसिटेंस हमने मान लिया कैपिटल C। अब सेकेंड सिचुएशन में क्या करना है आपको, बैटरी को निकाल के उसके प्लेस पे सेकेंड अनचार्ज कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर लिया। मतलब हमारे पास अब जो सिस्टम बनेगी उस सिस्टम के अंदर एक चार्ज्ड कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस होगा C और सेकेंड अनचार्ज्ड कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस होगा C-, ये दोनों कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर लिया। तब आपको पूछा जाएगा कि दोनों कैपेसिटर के बीच में कितने पोटेंशियल तक चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, अगर चार्ज ट्रांसफर हुआ तो दोनों कैपेसिटर के ऊपर न्यू चार्जेस कितने होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको MCQ में आ सकते हैं। तो आपको कंसेप्ट याद रखना है, जब भी दो कैपेसिटर को आप कनेक्ट करोगे तब दोनों कैपेसिटर के बीच में चार्ज ट्रांसफर होगा, बट कंडीशन रहेगी जब तक दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक चार्ज ट्रांसफर होते रहेंगे। जैसे दोनों कैपेसिटर कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे तब उसके बाद चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए इस थियोरी के अकॉर्डिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपको नए चार्ज मतलब Q1 और Q2 न्यू चार्जेस पूछे जाएंगे तो आपको अगर कॉमन पोटेंशियल भी पता होगा तो डायरेक्टली आप लोग Q1 एंड Q2 भी कैलकुलेट कर पाओगे C1V और C2V फॉर्मूला से। तो न्यू चार्जेस के लिए फॉर्मूला हो जाएंगे Q1 एंड Q2, और इसी के लिए डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहेगा। तो आपको ऐसी सिचुएशन MCQ में आ सकती है जब आपको कॉमन पोटेंशियल या फिर न्यू चार्जेस पूछे जा सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला होगा कॉमन पोटेंशियल का, तो इस फॉर्मूला को आप ऑब्जर्व कीजिए तो आपको सिर्फ चार पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट पॉइंट C1, सेकेंड पॉइंट C2,
थर्ड पॉइंट वी वन एंड फोर्थ पॉइंट वी टू। मतलब हमारे पास अगर ये चारों टर्म की वैल्यू होगी तो हमें इनिशियल चार्ज कैलकुलेट करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आप डायरेक्टली ये चारों टर्म एक साथ क्वेश्चन से निकाल के पुट करोगे तो डायरेक्ट आपको कॉमन पोटेंशियल मिल सकता है। अगर कॉमन पोटेंशियल मिल गया आपको तो डायरेक्टली आप न्यू चार्जेस भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसीलिए ये थियोरी इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए और एमसीक्यूज के लिए, जहां पे आपकी मेथड बहुत ही शॉर्ट हो जाएगी और कम टाइम में आप कॉमन पोटेंशियल या फिर न्यू चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हो। इस कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल आगे फर्दर लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं, जब आपको इस कंसेप्ट का एक एप्लीकेशन भी पता चल जाएगा कि कैसे इस कंसेप्ट को आपको एमसीक्यू में यूज करना है।